नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक नाबालिग लड़की के लिए जब घर में ही दुश्मन बन जाए तो वह भार रेप जैसी और अन्य घटनाओं से कैसे डरे। एक लड़की को जब कोई भय सताता है तो वह अपनी माँ के पास जाती है अपना दर्द दूर करने के लिए, लेकिन जब माँ ही बेटियों की दुश्मन बन जाए तो आखिरकार बेटियाँ क्या करें। पूरा मामला है मुजफ्फरनगर का, जहाँ दो नाबालिग लड़कियाँ रोते बिलखते डरते हुए वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मां से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। दरअसल नाबालिग 15 वर्षीय नीलाक्षी अपने पिता त्रिशिपाल सिंह के देहांत के बाद अपनी दो सगी बहनों साक्षी और वीनस के साथ ग्राम अकबरपुर गढ़ी थाना हस्तिनापुर जिला मेरठ में सुरक्षा से रह रही है। युवती की एक बहन प्राची की शादी नीरज भाटी निवासी ग्राम भुम्मा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर के साथ हुई है, जो एक कुख्यात अपराधी है। पिता की मौत के बाद युवती की मां जनेश ने दूसरी शादी कर ली। युवती की मां अपनी नाबालिग बेटी की शादी अपने दामाद नीरज भाटी के साथ मिलकर किसी आपराधिक युवक से करना चाहती है, जिस पर युवती की दोनों बहनों ने और खुद नीलाक्षी ने इसका विरोध किया। नीलाक्षी सुरक्षा के साथ अपनी दोनों बड़ी बहनों के पास रहने लगी है। इसी बीच युवती की मां जनेश ने अपनी बेटी के अपहरण की झूठी सूचना देकर खतौली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नीलाक्षी ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि मेरा जीजा नीरज भाटी आपराधिक व्यक्ति है, मुझ पर गंदी निगाहें रखता है और मुझसे जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करता है। मेरी माँ ने पिता की मौत के बाद जमीन और घर भी बेच दिया है। मुझे मेरी माँ और जीजा से अपनी जान का खतरा है। मेरी माँ मुझे पैसों के लालच में बेचना चाहती है। दोनों नाबालिग लड़कियाँ अपनी माँ की लालच के शिकार नहीं बनना चाहती है। दोनों नाबालिगों ने अपनी ही माँ से सुरक्षा के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस से गुहार लगाई है और साथ ही अपनी माँ के सभी फैसलों का विरोध कर रही हैं। जी, हम अपनी बहन को इसलिए लेकर आए हैं, मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और इस पे केस डाल रखा कि हमने इसका किडनैप कर लिया। पुलिस को लेकर आई खतौली से, इसका किडनैप कर लिया। हम इसे अपनी मर्जी से आई हो, हम अपनी मर्जी से इसे अपने साथ रख रहे हैं। हमने इसका कोई अपहरण नहीं करा। घर एक प्लॉट था, प्लॉट बेच दिया, घर बेच दिया और अब दूसरी जगह चली गई। मेरी पापा जी एक्सपायर हो गए थे सन 2017 में, तो मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तो मेरा एक सिर्फ गांव का मकान था, वो भी मम्मी ने बेच दिया, तो बताइए मैं कहाँ रहूँ। और फिर मकान बेच दिया मेरा, मैं इनके पास आ गई, दीदी के पास अपने। मेरी शादी करवा रही थी दूसरी, मतलब ज़बरदस्ती उसकी दूसरी शादी हो। दूसरी मम्मी करा रही थी आपकी? मम्मी शादी करा रही थी मेरी। अच्छा, दहेज वाला लड़का कराना चाहती हैं तुम्हारी मम्मी अभी? मैं उसे जानती नहीं सर। दहेज बताओ लड़का। अच्छा, फिर मैं अपनी दीदी के पास आ गई वहाँ से, तो इन पे अब कह रही है कि इन्होंने अपहरण कर रखा है मेरा। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर